द्वंद कहाँ तक पाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, मैं भी हूँ राणा का वंशज, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि जलेबी वाला बाबा वो ना बने। हम लोग जो तमाम अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मंत्री को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पिक्चर में आप शर्मसार हो जाइएगा, इतना बड़ा सीन होगा और जो सीन क्रिएट होगा उस सीन पूरा पटना में गूंजेगा। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। अभी हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर। सीटेट के अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन लोगों का जो धरना प्रदर्शन है वो धीरे धीरे उग्र होता जा रहा है। शिक्षा मंत्री से क्या अपील कर रहे हैं, आइए अभ्यर्थियों से बातचीत करके जानते हैं। जी मैम, एक कहावत से स्टार्ट करूंगा, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, मैं भी हूँ राणा का वंशज, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप नोटिफिकेशन यथा शीघ्र दीजिए, नहीं तो हम लोग अगला प्लानिंग जो करने जा रहे हैं आपको बहुत बहुत भारी पड़ेगा और इसका जवाबदेही आप जिस पद पर बैठे उस पद की गरिमा बचाते हुए हम लोग का यथाशीघ्र नोटिफिकेशन को जारी कीजिए। ये जो हम लोग सड़कों पर उतरे हैं ऐसा आप मजबूर कर दिए हैं तब आए हैं, और इस सड़कों पर ही झांकी है, अभी पिक्चर पूरी बाकी है, जो दिखाएंगे पिक्चर देखने लायक होगा और उस पिक्चर में आप शर्मसार हो जाइएगा, इतना बड़ा सीन होगा और जो सीन क्रिएट होगा उस सीन पूरा पटना में गूंजेगा कि क्या सीन हुआ। एक साइकोलॉजी का नॉलेज रखता है पूरा पीपल टीचर, और जिस समय अपना अंदाज़ा दिखलाना चालू करूँगा ना, उस समय शिक्षा मंत्री के सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक पीपल टीचर की क्या पावर होती है, एक पीपल टीचर की गरिमा होती है। डू नॉट लिव डिग्निटी इन स्पीकिंग दी अबाउट वर्ड ऑफ दी कोवर्ड, बोलने में मर्यादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। क्या कहेंगे आपको, लोगों को क्या लगता है इस बार पार हो जाना है? यात्रा नहीं अमरण होगा, जनजीवन का अमरण होगा, टकराएंगे न छत्रनिगर वर्षे की बनीपुर का। जिस तरह से हम लोगों ने कल यानी गर्दनी बाग से धरना स्थल पे हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया था, तो हम लोगों ने कल कारगिल चौक जो जाम किया था, अगले बार अगर जो हम लोग को परमिशन नहीं मिलती है, लगातार हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जो सरकार हम लोग को आगे यहाँ पे परमिशन नहीं देती है तो आगे हम सचिवालय का घेराव करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ढेर सारे अभ्यर्थी सहरसा जिला से आए हुए हैं, और आप शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि जलेबी वाला बाबा वो ना बने। हम लोग जो तमाम अभ्यर्थी हैं, शिक्षा मंत्री को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देख लीजिए शिक्षा मंत्री जी, ये लोग आपको चेतावनी दे रहे हैं, इसको चेतावनी समझिए या कुछ भी समझिए, अभ्यर्थी आपसे डरने वाले नहीं है, आपके झूठे वादे में फंसने वाले नहीं है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, विगत 3 वर्षों से विभाग केवल हम लोग को विज्ञप्ति के संबंध में आश्वासन दे रहा है, वो धरातल पर कभी काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में हम लोग जो 7 दिन से हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, तो इस बार यहाँ से विज्ञप्ति लेकर के ही जाएंगे, ऐसे जाने वाले नहीं हैं। और हम क्या, हम नॉर्मल अभ्यर्थी क्या, यहाँ जो बच्चे हैं जो माँ के गर्भ में पल रहे हैं, उनका भी यही चाह है कि बच्चे माँ के गर्भ से करे करुण पुकार, इस बार मेरे अभिभावक को दो विज्ञप्ति सरकार। तो अभ्यर्थी का जो अभिभावक है वो लोग भी शिक्षा मंत्री से अपील कर रहे हैं, इन लोगों अभ्यर्थियों का बात सुन के आपके जो हौसले हैं वो बुलंद हो जाना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या अभ्यर्थियों का हालत हो गया है। देखिए, शिक्षा मंत्री से हम यही परिकल्पना करते, आशा करते हैं कि वो अपनी पद की गरिमा और जो वक्तव्य देते हैं उस पर अडिग रहे हैं, और यहाँ पे जो बैठे हुए धरना प्रदर्शन पे लोग हैं, ये आप समझ सकते हैं कि सिस्टम को चलाने में इनका सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन। धन्यवाद। क्या आगे का प्लान? आगे का प्लान यही है कि आप उग्रता रूप अपनाएंगे और दिखा देंगे कि क्या होता है पावर। उग्रता रूप अपनाएंगे, विज्ञप्ति लेकर जाएंगे, ठीक है? इस तरह से। अच्छा, ये तो आप गाना गा के शिक्षा मंत्री को। जी जी, कुछ हो जाए झुकेंगे नहीं, झुकना नहीं, झुकना नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि सीटेट के अभ्यर्थी थे हमारे साथ, और लगातार ये शिक्षा मंत्री को चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग डरने वाले और आपके झूठे वादों में फंसने वाले नहीं है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे बिहारी प्रतिभा। धन्यवाद।